Hey, hi everyone, welcome back to my channel. This is Garima. I'm back with a new video. So today I'm gonna show you that how I did this full cut crease makeup look. So let's start it. जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ दैट आपको अगर कोई भी मेकअप आप करना चाह रहे हो तो फर्स्ट मेक योर स्किन हाइड्रेटेड। सो सबसे पहले मैंने सेटाफिल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया, मैंने अपने फेस को प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर लिया है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस वेट एंड वाइल्ड का मैंने प्राइमर यूज़ किया, दिस इज स्टिक प्राइमर। सो आई अप्लाइड ऑल ओवर माई फेस एंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स मैंने अपने हाथों से इसको प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो प्राइमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेकअप के लिए, बिकॉज वो आपके मेकअप को लंबे समय तक सेट रखता है। एंड सेम वे जैसे कि आपने फेस को प्रेप किया है, मैंने यहाँ अपने लिप्स को भी प्रेप किया है मैट प्राइमर की हेल्प से। एंड नेक्स्ट इज टू डू द ब्राउज, बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर अ पार्टी मेकअप आई यूजुअली स्टार्ट विद यू नो माई आई मेकअप। एंड अगर आई मेकअप से मैं स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट स्टेप इज टू यू नो डू माई ब्राउज। आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली अपने ब्राउज को फिल कर लिया है। एंड नेक्स्ट इज अ कंसीलर, सो फर्स्ट आई विल अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर brush I will apply all you know all over my eyelid and my you know outer line of my brows, because concealer हम इसलिए apply करते हैं क्योंकि जो भी हम eye shadow use करेंगे वो अगर हमने concealer apply किया है तो वो बहुत ही अच्छा उभर के आता है। and you can see मैंने अपने beauty blender को fixing spray से थोड़ा wet कर लिया है and then I am blending my whatever the concealer I have applied। next जो भी हमारे concealer का moisture है मैं उसको setting spray किसी भी loose पाउडर से सेट कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर मैं अपने आईलेट्स पे उसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट इज दिस फ्लफी ब्रश एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस प्रोफेशन का पैलेट एंड आई विल स्टार्ट विद द लाइटर शेड। सो अगेन आई एम यू नो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है दैट ब्लेंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एनी आई शेडो। सो आप देख सकते हैं मैं अपने आउटर क्रीज को से इनर क्रीज की तरफ जाते हुए प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया मैंने लाइटर कलर। एंड नाउ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड भी रेड का इस्तेमाल किया है एंड मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि हमारी विंडशील्ड काम करता है फ्रॉम आउटर टू इनर। सो सेम वे आई एम अप्लाइंग फ्रॉम आउटर क्रीज टू इनर क्रीज एंड मैं उसको प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने निक्स का ये पैलेट इस्तेमाल किया है और इस पैलेट में मैं ये लाइटर रेड कलर पहले यूज़ करूँगी एंड देन अगेन आई एम क्रिएटिंग यू नो अ लाइन ऑन माय क्रीज लाइन इफ यू कैन से। सो मैंने अच्छे से प्रॉपरली अपने क्रीज लाइन को पहले लाइटर शेड से एक यू नो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है उस लाइटर शेड को। एंड वंस आई एम डन विद दिस आई एम टेकिंग दिस डार्कर शेड एंड इस डार्कर शेड को मैं ज़्यादातर अपने आउटर क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे अपने एक आईज़ को प्रॉपरली अच्छा डेप्थ देना था, इसलिए मैंने आउटर क्रीज पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था। एंड आई वॉज ब्लेंडिंग यू नो यू कैन सी कि मैं उसको प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड वंस आई एम डन विद दैट आई विल टेक अगेन द लाइटर शेड आई विल टेक इट एंड देन आई विल ब्लेंड द हार्श लाइन वॉट एवर आई हैव। सो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ईयरबर्ड आई विल पुट सम फिक्सिंग स्प्रे ऑन इट और मैं उसको थोड़ा गीला कर लूँगी एंड देन जो भी एरिया मुझे अपनी क्रीज लाइन का कट क्रीज का चाहिए, जैसे कि आज मैं फुल कट क्रीज कर रही हूँ तो मैं पूरी आई लीड्स जहाँ जहाँ पे मुझे वो लाइन चाहिए मैं उसको क्लीन कर लूँगी वहाँ पे जो भी आई शेडो है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली अपने दोनों आईज को यू नो क्लीन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस ईयरबर्ड। एंड नेक्स्ट इज़ अ कंसीलर टू इन्हेंस अगर आपको दिखाना है अपने आईज़ को। सो मैंने एक यू नो दिस अगेन दिस इज़ अ कंसीलर ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश बहुत आराम से मैं पहले एक लाइन क्रिएट करूँगी जो फुल कट क्रीज की मुझे लाइन चाहिए, मैंने पहले उस लाइन को क्रिएट किया एंड देन मैंने अपने पूरे यू नो आईलेट्स पे उसको अप्लाई किया है। सो सेम वे आई विल डू फॉर माई अदर आई ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इनर कॉर्नर एंड फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग अ लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश एंड देन आई एम फिलिंग माई होल यू नो आईलेट।
So once I am done with creating a line, I will take this, you know, again a small brush and I'll, you know, मैं उस पर थोड़ा सा setting spray कर दूँगी ताकि वो थोड़ा गीला हो जाए. And then जो भी ये glitter shade, मैं golden glitter shade का इस्तेमाल कर रही हूँ आज, तो मैं उस वो golden glitter shade है जो properly हमारे brush से stick हो जाए. And then with the help of this brush, first I will create that line. I will apply the glitter shade on my line area. And then उसके बाद मैं अपने पूरे eyelids पे उस ग्लिटर शेड को अप्लाई करूंगी. सो आप देख सकते हैं मैंने पहले अपनी यू नो जो क्रीज लाइन है, जो मैंने एक लाइन क्रिएट की है, उस पर पहले अप्लाई किया. एंड देन आई एम फिलिंग द गोल्ड शेड ऑन माय होल यू नो आईलिड एरिया. सेम मैंने दूसरे आईलिड्स के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो किया है. वेरी यू नो बहुत आराम से पहले मैंने अपनी लाइन को उस गोल्डन शेड से क्रिएट कर लिया है. एंड देन मैं अपने यू नो आईलिड को फिल कर रही हूँ. नेक्स्ट विद दिस हेल्प ऑफ यू नो दिस इज़ आई लाइनर ब्रश, मैंने उसको अगेन थोड़ा सा वेट कर लिया ताकि जो मेरा आई शेडो का कलर है वो प्रॉपर अच्छे से उस ब्रश पे आ जाए. एंड देन मुझे जो अपना ये फुल कट क्रीज लाइन है, मैं उसको थोड़ा इन्हेंस करना चाह रही थी, इसलिए मैंने उस ब्रश की हेल्प से और डार्कर रेड कलर शेड लिया एंड एक लाइन क्रिएट कर ली. लास्ट जब आप पूरा क्रिएट कर लेते हो तो लास्ट में यू नो यू कैन टेक द लाइटर शेड और उसको जो भी हार्श लाइन हमने ऊपर की साइड है उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. सो हेयर आई एम ब्लेंडिंग वॉट एवर द हार्श लाइन आई हैव. नेक्स्ट पार्ट इज़ द आईलाइनर, बिकॉज आफ्टर दिस मैं अपने फेक लैशेज़ को अप्लाई करूँगी. सो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि आप जब भी फेक आईलैशेज़ अप्लाई करते हैं, मेक श्योर कि पहले आप अपने आईलाइनर को अप्लाई कर लें. एंड देन आफ्टर अप्लाइंग अ फेक लैशेज, एक कोट लाइनर की और उस पर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी जो ग्लू लाइन है वो विजिबल ना हो, इसलिए आप उसको एक जस्ट सिंपल एक कोट उस पर करें. सो आप देख सकते हैं मैंने सेम अपने आई लैशेज लगाने के बाद मैंने एक कोट अपने आई लाइनर का फिर से अप्लाई किया. नेक्स्ट इज़ मस्कारा. सो मस्कारा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने फेक लैशेज और यू नो ओरिजिनल लैशेज को मर्ज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कारा. एंड नेक्स्ट इज़ आई टुक दिस कॉटन पैड एंड उस पर अगेन सेटिंग स्प्रे मैंने स्प्रे करके थोड़ा सा वेट कर लिया है. एंड जो भी फॉल आउट है मेरे आई शेडो का, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ. नेक्स्ट पार्ट इज़ टू गो फॉर अ बेस, एंड फॉर माई बेस आई विल स्टार्ट विद दिस कलर करेक्टर, बिकॉज यू नो आई हैव अ सम डिसकलरेशन. सो आई अप्लाइड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड दिस कलर करेक्टर. नेक्स्ट इज अ फाउंडेशन. सो टुडे आई एम यूजिंग अ रेमले लंडन का 2 शेड ऑफ फाउंडेशन एंड आई अप्लाइड ऑल ओवर माई फेस एंड नेक एरिया ऑल्सो. मेक श्योर दैट यू अप्लाई आर नेक एरिया, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा फेस और नेक एक डिफरेंट ही कलर दिखे, इसलिए मैं प्रॉपरली उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट इज द कंसीलर पार्ट. सो यहाँ पे यू हैव टू हाइड योर डार्क सर्कल्स, जो रात रात भर हम फोन देखते हैं उसको हाइड तो करना है. सो फॉर दैट यू नो वी यूज़ कंसीलर. एंड फॉर माय कंटूर आई एम यूजिंग दिस यू नो द डार्कर शेड ऑफ फाउंडेशन, दिस इज़ फ्रॉम रेमले लंडन. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश आई एम अप्लाइंग ऑन ऑल ओवर द एरिया वेर एवर आई वॉन्ट माई कॉन्टोर. सो यू कैन सी आई एम अप्लाइंग ऑन माई चिक बोन, माई जॉ लाइन, माई नोज एंड माई द टेम्पल ऑफ माई फेस. सो आफ्टर दिस फर्स्ट आई विल ब्लेंड विद माई कंसीलर, बिकॉज जो हमारा ब्रॉन्ज कॉन्टोर का शेड है वो डार्क होता है, तो मैं नहीं चाहती पैचेज आएँ. सो सबसे पहले अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लें एंड देन यू कैन ब्लेंड योर कॉन्टोर. नेक्स्ट इज़ यू नो द लूज पाउडर टू सेट योर मेकअप, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लंबे टाइम तक रहे. सो मेक श्योर आप किसी भी लूज पाउडर से अपने मेकअप को प्रॉपरली सेट कर लें एंड स्पेशली ऑन दोज एरिया वेर एवर यू अप्लाई अ कंसीलर. Next is again I'm using the same NYX palette and with the help of this eyeliner brush I am applying you know this like red color ko main apne you know kajal ki tarah use kar rahi hu. And with the help of this you know fluffy brush I will blend the color which I applied, because mujhe again lower lash line pe bhi koi harsh line nahi chahiye. Next is to do the bronzing of your face. So I'm using this Profusion ka palette. I am taking little bit on my brush, tapping the excess, and I am applying or wherever I want my features to be sharp. So aap dekh sakte hain maine apne cheekbone pe, jaw line pe aur apne temple area pe usko apply kar diya. And next jo bhi humne loose powder
पाउडर अप्लाई किया था, हम एक ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ टू डू अ ब्लश, बिकॉज अगेन आपको ब्लशी ब्लशी दिखना है, सो यू हैव टू अप्लाई द ब्लश। एंड यू कैन सी आई अप्लाइड ऑन माई चेक नोज। एंड नेक्स्ट इज़ यू नो आई एम अप्लाइंग दिस लाइटर कलर, न्यूड कलर ऑफ आई पेंसिल ऑन माई वाटर लाइन, सो दैट जो भी मेरी आईज़ है वो और भी पॉपअप होके आएंगी अगर मैंने ये लाइटर शेड लगाया। नेक्स्ट इज़ टू मेक माई आईज सो यू नो मोर पॉपअप, आई एम अप्लाइंग दिस ग्लिटर, यू नो द गोल्डन शेड, एंड आई एम अप्लाइंग ऑन माई इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। सो यू कैन सी इमीडिएटली इस ये हाईलाइटर लगाने के बाद मेरी आईज कितनी पॉपअप हो गई। एंड नेक्स्ट इज टू अप्लाई सेटिंग स्प्रे, सो दैट जो भी हमने मेकअप पे प्रोडक्ट अप्लाई किया वो हमारे यू नो स्किन में सेट हो जाए, प्रॉपर हो जाए, यू नो मेल्ट हो जाए। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर योर लिप्स, सो I'm applying this, you know, lip liner, and again today I'm using a red color from L'Oreal. And the last step, which is my favorite step, is a highlighter. So for highlighter also I'm using the same palette, which is from Profusion, and I'm applying on the area wherever I want my face to be shiny. So maine apne, you know, आईब्रो बोन पे अप्लाई किया, अपने चिक बोन पे अप्लाई किया है, मैंने अपने नोज़ पे अप्लाई किया हाइलाइटर, एंड मैंने अपने क्यूटिप पे भी अप्लाई किया। सो यस, आई एम डन विथ माई मेकअप, सो यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.